पानीपत के कश्यप नगर में एक 6 वर्षीय बच्चे के लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों के मुताबिक बच्चा पड़ोस में हो रही शादी में पहुंचा था, लेकिन वापस नहीं लौटा। शादी समारोह के पास नहर होने के चलते परिजनों ने बच्चे के नहर में बह जाने की आशंका जताई है। हालांकि परिजनों ने बच्चे की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस थाने में भी दी है। वहीं बच्चे के लापता होने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चे के पिता मोहम्मद ताहिर हुसैन ने बताया कि नहर में डूबने की आशंका के चलते गोताखोरों द्वारा बच्चे को नहर में तलाश किया गया, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका। मैं कश्यप नगर में रह रहा था, मेरा लड़का जी 1:30 बजे से गायब है। 1:30 बजे से? कब 1:30 बजे? कल जी, कल 1:30 बजे से गायब है। मुझे 4 बजे पता लगा, मेरा लड़का, मेरे मैडम ने फ़ोन किया कि लड़का मेरा नहीं है, तो मैंने फोन और एप्लीकेशन थाने में किया। उसके बाद जो गोताखोर और सब कार्रवाई कर रहे हैं, अपने अपने लगे हुए हैं, और यहाँ कैमरे में देखा तो हमारा लड़का यहाँ तक आ, उसके बाद हमारे घर पे नहीं गई है सर। और जो मैं सर SP साहब से दरख्वास्त चाहूँगा कि जल्द से जल्द मेरे बच्चे का लाश मिल जाए, जल्द से जल्द मेरे बच्चे का लाश ही मिल जाए। उम्र कितनी है बच्चे? जी 6 साल। हाँ जी सर। कहाँ गया कुछ पता नहीं चला? जी नहीं जी, सुबह से मैं ढूंढ रहा हूँ जी, रात भी मैं नहर पर सर बैठा हुआ था। मैं कहा किधर से मेरा बच्चा आ जाए, नहीं आया सर। कहाँ गया था घर से बच्चा कल? जी शादी में। किसकी शादी थी? यहाँ जी लड़के शादी है ना, पड़ोस में यहाँ था। अच्छा, उसके बाद लड़का नहीं आया। नहर पे किस लिए आया? जी ढूंढने के लिए। नहर पे भी आया था? हाँ जी, ये जी नहर का जी घर लगता है ना, मैं कहा यहाँ पे होगा इस मारे। अच्छा, बता रहा है कोई पता चला कि नहीं? जी अभी तक जी फिलहाल जी कुछ नहीं पता लगा। ये मेरा लड़का है, इसने बताया था जब पापा नहर में गिर चुके इधर। हाँ, तो हमने नहर की साइड देखा तो नहर की साइड कोई नहर में गया है। हाँ, ये मेरा लड़का है, ये मोहम्मद अय्याज नाम है इसका, इसने देखा है। और मैंने और भी बता रहे बच्चा जो नहर में गया है। नहर में? हाँ, मगर पूरी कंफर्म नहीं हो चुका इसके बारे में, अभी लगे हुए हैं गोता। 6 साल जी। नाम क्या? मोहम्मद राशिद इल्साद। आप क्या काम करते हैं? सिलाई का काम करता हूँ, 29 सेक्टर कृष्णा गार्डन के पास, 322 के पास आता हूँ। हाँ जी, पुलिस आई थी? मेरा लड़का सरे 10 बजे निकला है घर से, दिन भर खोजी तो नहीं मिला। 12 बजे लगभग मेरे ध्यान में आया जब मेरा लड़का घर नहीं आया, तो फिर मैं 3 बजे से मैं अपने लड़का का कर खोजने के लिए सब लेकर पूरे कॉलोनी छान मारी, संदापुर गैस गोदाम, कहूँ नहीं मेरा मिला मेरा लड़का। अब खोजते खोजते मैं थक गई, पता नहीं कहाँ गया नहीं गया मेरा लड़का, अभी तक नहीं मिला है। नहर में ही बता रहे हैं? अब नहीं, कोई बच्चा बता रहा है नहर में, जिसको साथ आया वो बता नहीं रहा, खोल कर नहर में गिरा, अब कहाँ गया नहीं गया कोई पता नहीं लग रहा। लेकिन नहर में निशान है उसके, अगर नहर में होगा तो मिल जाएगा, और इन्ना उन्ना होगा तो भटकते आ जाओगा। और इसके अलावा के बोलूं, जो होना था हो गया। शादी में बता रहे भाई? शादी में बता रहा हूँ, पीछे शादी था, इतने यहीं पर आया, यहीं से गया वापस, यही गली के दिन आया गया, इतने आसपास में मेरा लड़का, इसके आगे आगे नहीं गया। मेरा आगे घर है, कमरा है वो पिड्डा के पास। डीजे पे बता रहे? हाँ हाँ, डीजे पर था वो। मैं उस टाइम मैं अपने लड़का का गौर नहीं करा, जो मेरा लड़का रोज़ घर में आ जाता था, कल वो घर में दोबारा वो घर के गया नहीं, जो कहाँ आया लड़का। मैं सोचा आ जाएगा मेरा घर लड़का खेल के घर में। फिर मैं 12 बजे से अपने सासू के कमरा में गया ढूंढने, वहाँ भी नहीं मिला। अपने अड़ोस पड़ोस में खोजा नहीं मिला, शादी में गया वहाँ भी नहीं मिला, सारे जगह ढूंढ लिया, खोजते खोजते रात होगी, पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाया, पुलिस भी तलाश करा, रात में भी तलाश करा, अभी भी तलाश करा सवेरे से, कोई पता ही नहीं लग रहा। आपके पास? मेरे पास जी 5 बच्चा है, 5 में 4 है, एक लड़का गुम हो गया है, एक है, एक ही गुम हुआ मेरा, 4 है। हाँ, 4 बच्चे हैं? हाँ 4 है, लड़का था उसके लगा कर 4, अब 3 है, एक लड़की है। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर हमारा पेज फॉलो करें, और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।